मार्केट जैसी आइसक्रीम, वो भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी, आप घर पे बना सकते हैं वो भी बिल्कुल आसानी से। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे एक बार बनाकर देखिएगा, मेरी गारंटी है आप इसे बार बार बनाएंगे इन गर्मियों में। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में मैजिक स्पून विद नीतू। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस यम्मी सी आइसक्रीम को। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक भगोना ले लेंगे और उसमें मैंने ले लिया है एक गिलास दूध। अब दूध में डाल देंगे हम आधा कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। इसमें मैंने आधा कप चीनी डाली है, इससे परफेक्ट मीठा आएगा हमारी आइसक्रीम में। अब दूध को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इतना तक हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें डालेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर ये मैंने स्पून यूज़ किया है, इसको आपको भर के 2 चम्मच लेना है। तो यहाँ पर ये चम्मच में थोड़ा कम आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, पर ये भर के 2 चम्मच आपको कस्टर्ड पाउडर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। दूध हमें ठंडा मिक्स करना है इसके अंदर। अब इसमें 2 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो ये देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से भर के 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब इसको हम वनीला कस्टर्ड पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से, स्मूथ इसका हम एक घोल बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम दूध देख लेते हैं। तो दूध ये देखिए पक रहा है हमारा, इसे उबाल आ गया है। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल तक ही पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे ये कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स करके घोल बना के रखा था। अब इसको हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा पका लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसे लगातार चलाते हुए ही हमें एक उबाल आने तक पकाना है। क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो हमारा जो ये दूध है नीचे लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। जैसे ही ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट होगा हम इसको गैस से हटा लेंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड जो है पकने लगा है। अब इसको हम गैस से उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर ही। तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब एक बाउल में ले रही हूँ मैं अमूल व्हिप क्रीम, ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है और मैंने इसको फ्रिज में रख के ठंडा किया हुआ है। तो ठंडी क्रीम ही हमें लेनी है। तो पूरी क्रीम को मैं ये बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको मिक्सी में भी थोड़ा सा घुमा सकते हैं, पर मिक्सी में थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी क्रीम जो है मक्खन छोड़ देती है। तो बहुत ही धीरे धीरे आप इसको करिएगा। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से ही कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इससे। यहाँ पर ये देखिए हमारी व्हिप क्रीम जो है हमने अच्छे से फेंट ली है और ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इस तरह की हमें ये व्हिप क्रीम कर लेनी है। अब इसके अंदर हम जो हमारा कस्टर्ड बना के रखा हुआ था ये ठंडा हो गया है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा है। तो इसको हम डाल देंगे इसमें व्हिप क्रीम में, जो हमारी फेंटी हुई व्हिप क्रीम है। तो ये पूरा कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम फिर से थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि जो कस्टर्ड है हमारा अच्छे से व्हिप क्रीम में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर अब जो साइडों में लगा हुआ है इसको मैं एक स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी और ये हमारा जो है आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको हम जमने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक का एक जार लिया है, इसके अंदर मैं ये आइसक्रीम का मिक्सचर डाल रही हूँ। आप किसी भी बर्तन में भी इसको जमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जो है आइसक्रीम का मिक्सचर मैंने डाल दिया है। अब इसको ऊपर से कवर करके हम इसको फ्रीजर में रखेंगे ओवरनाइट के लिए, या फिर आप 6 से 7 घंटे के लिए इसे रखिए तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल सेट हो जाएगी बहुत अच्छे से। आप इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं या टूटी फ्रूटी, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेन ही बनाई है। तो यहाँ पर ये देखिए आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो गई है। ये मैंने ओवरनाइट के लिए रखी थी और अगले दिन मैं इसको निकाल रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसमें से आइसक्रीम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये स्कूप निकाल रही हूँ आइसक्रीम का और इसको हम लगा लेंगे प्लेट में इस तरह से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर गार्निश के तौर पर डाल रही हूँ थोड़े से चोको चिप्स और थोड़ी सी मैं डालूँगी टूटी फ्रूटी। आप इसके ऊपर चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं या कैरेमल सॉस या स्ट्रॉबेरी सॉस, जो भी आपको पसंद है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।